नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज़ के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं खरगोन जिले के नए जिला कलेक्टर श्री शिवराज सिंह जी वर्मा से। वर्मा जी के आने के बाद क्या परिवर्तन आएगा, क्या सोच लेकर वो आ रहे हैं, इसके लिए हम एक फौरी तौर पर उनसे चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका खरगोन जिले में हम अपने सभी दर्शकों की ओर से स्वागत करते हैं। खरगोन जिला बड़वानी जिले से लगा हुआ है, कभी अविभाजित खरगोन जिले का ही अंग रहा है वो, और काफ़ी नज़दीक से आप पहचानते हैं दोनों जिलों को। आदिवासी बहुल हैं दोनों और लगभग यहाँ की आवश्यकताएं भी एक जैसी हैं। तो यहाँ आने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर? मेरी प्राथमिकता वही रहेंगी जो शासन की प्राथमिकता है, शासन की योजनाओं को धरातल पर लाना, शासन के योजनाओं का लोगों को, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल पाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अमूमन ये देखा गया है कि जो जिला कलेक्टर के पद पर बैठते हैं वो, जैसे आपने बताया कि शासन की जो भी प्राथमिकता है वही आपकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं, लेकिन बड़वानी जिले में ये देखा गया है कि उस पद पर बैठकर आपने जो संज्ञान लिया, एक शिव कुंज का वहाँ पर निर्माण हुआ, कुष्ठ रोगियों को आवास मिले, ये जो आपने स्वयं संज्ञान लिया उससे ये कार्य हो सका। कहीं कहीं हम देखते हैं कि शासकीय मिशनरी चूक सी जाती है। ये हर प्रशासन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं के साथ साथ में आम जन को जोड़ करके क्या नए नए काम किए जा सकते हैं जिनका दूरगामी परिणाम मिले और दूरगामी उससे लोगों को लाभ मिले। मैं इस ज़िले में लोगों से मिल करके, पब्लिक को जोड़ करके, मेरी उसके बाद में प्राथमिकता तय होंगी कि यहाँ के लोगों की वास्तव में नीड क्या है, यहाँ के लोग क्या अच्छा करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम प्राथमिकता तय करेंगे। मैं दो बिंदुओं पर मैं और जोड़ना चाहूँगा कि मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट फोकस रहता है वह है, एक तो मेरा हेल्थ वाला विषय है कि हेल्थ की सरकार शासकीय सुविधाएं तो अपनी जगह है ही, लोग कैसे हेल्दी रहें इस पर हम मेरा फोकस रहेगा। दूसरा, एक एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। एजुकेशन में जो परिवर्तन आना चाहिए, एजुकेशन का वास्तविक लाभ लोगों को कैसे मिले, इस पर मेरा बहुत बड़ा फोकस रहेगा। पर्यावरण, चूंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो पर्यावरण मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा विषय रहा है। मैं पर्यावरण से लोगों को जोड़ना चाहूँगा, ऐसा मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूँ। बड़वानी का जैसे सुकुंज का अपना उदाहरण दिया था, तो उसमें वहाँ के लोगों को जोड़ करके वह बड़वानी के लिए बहुत ही अनूठा स्थान तय हुआ है। वो बड़वानी का ही नहीं, प्रदेश और देश का भी बहुत ही यूनिक स्थान बना हुआ है। ऐसा खरगोन में यहाँ पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या अलग से किया जा सकता है, और उसका हम लोग अभी देखते हुए और आगामी कार्य योजना बनाएंगे। सर, चुनावी वर्ष में आपका खरगोन जिले में आगमन हुआ है, और खरगोन जिले में सबसे बड़ा जो टास्क है वो है यहाँ पर जो संवेदनशील प्लेस है, दंगा प्रभावित क्षेत्र है ये, तो चुनावी वर्ष में आप इसको और मजबूत बनाने के लिए क्या कोई अतिरिक्त उपाय करेंगे? हम सभी समुदाय के लोगों से मिलकर के बैठ के बात करेंगे, आपसी समझ कैसे बने उसकी पूरी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि दंगा फसाद से किसी का भला नहीं होता है, उनसे कैसे दूर रहें, ऐसे अच्छे लोगों को जोड़ करके और जो इस तरह के लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी। ये शासन की प्राथमिकता भी है, मेरी भी प्राथमिकता सामुदायिक स्वार्थ बनाने की रहेगी। सर, वैसे अभी आप आए हैं, जिले का जायजा ले रहे हैं, काफ़ी कुछ जानकारियाँ आपको मिल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र शासन और राज्य शासन की जो स्किल डेवलपमेंट की योजनाएँ चल रही हैं उनकी ठीक ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। देखा जा रहा है कि जिन व्यवस्थित लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए उनकी जगह कोई दूसरे ही प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसमें क्या सुधार हो सकता है? जी, सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, आप अभी जा रहे हैं दौरे पर। सबसे अंतिम एक सवाल आपसे मैं करूँगा, शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह अब खरगोन जिले के कलेक्टर भी हैं, ये नाम में जो सिमिलरिटी है इसको कहीं ना कहीं लेकर एक आपको एक एहसास होता होगा नई जिम्मेदारियों का, क्या महसूस करते हैं सर जब आपको इस प्रकार से, मेरे भी शुरुआत में आपको सीएम साहब के साथ ही जोड़ दिया था। इसके लिए ये मेरा सौभाग्य कहें कि मैं प्रदेश के मुखिया के साथ मेरा नाम जुड़ गया है,
मैं ये मानता हूँ कि मेरा नाम भगवान शिव के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और उनका नाम में शिव का मतलब है कल्याणकारी, तो भगवान शिव से भी हमको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम लोग कुछ करने का प्रयास लगातार करते हैं। मैं उसी अवधारणा के साथ मैं यहाँ पर भी काम करने का प्रयास करूँगा। सर अंतिम प्रश्न, खरगोन जिले की जनता को बेकरारी से इंतजार है जिला चिकित्सालय का, रेल का, और एक खरगोन शहर में खिलाड़ियों के लिए आज तक कोई शासकीय मैदान मतलब नगर पालिका का कोई भी मैदान नहीं है, और इससे पूरे आदिवासी क्षेत्र जो भी है पश्चिम निमाड़ पूर्वी निमाड़ ये पूरा आदिवासी बहुल है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ इन जिलों में खेलों को लेकर आदिवासी जो खिलाड़ी यहाँ निकले हैं उनको किसी प्रकार की कोई वैसी सुविधा बुनियादी नहीं मिल पा रही है कि वो राष्ट्रीय मानचित्र पर जाकर अपना नाम रोशन कर पाए। जस्ट लाइक एस्ट्रोटर हॉकी के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग आ रही है सर, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव नहीं जा पा रहा है, तो क्या आप अपने कार्यकाल में इन चीज़ों को लेकर कोई पहल करेंगे? बिल्कुल, मैं सभी लोगों से मिलकर के क्या यहाँ पर करने लायक चीज़ें हैं और क्या करना चाहिए इसमें मेरा लगातार प्रयास जारी रहेगा, और अभी मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, कई चीज़ ऐसी हैं जो जिले की नीड के हिसाब से होना चाहिए और उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय समय पर हम इसी प्रकार से जिला कलेक्टर शिवराज सिंह जी वर्मा से मिलते रहेंगे और जो भी प्रोग्रेस हो रही है उनको हम उनसे जानते रहेंगे, और हाली तौर पर अगर देखा जाएगा तो आपको धरातल पर नज़र आएगी, क्योंकि बड़वानी जिलों में उन्होंने जो अपने नाम के स्वरूप शिव यानी कल्याणकारी, तो उन्होंने जो कल्याणकारी कार्य किए हैं खरगोन जिले की जनता भी यही चाह रही कि उन कल्याणकारी कार्यों का खरगोन में भी यहाँ पर समावेश हो, और जो जनता एक उम्मीद लेकर के उनसे चल रही है वो उम्मीद पूरी हो। आपने SW24 न्यूज़ से चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।